देख रहे हैं खालसा न्यूज़ और मैं हूँ इसरार काजमी। तमाम लोगों के लिए एक फरमान था जो स्टेट लैंड, रोशनी लैंड या काचराई के ऊपर जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, जिन्होंने मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई हैं, उन तमाम लोगों के लिए कानून आया था कि वो जल्द से जल्द उसको हटा दें, अदरवाइज़ जो गवर्नमेंट है खुद ही एक्शन करके उसको डिसमेंटल करके वहाँ से हटा देगी। उसके बाद जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है अरूज पे है, हर जगह पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। जम्मू में कल, सुजमा और बठिंडी में लगातार दो दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसी चीज़ पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट जमान साहब, जिन्होंने कई बार तफसील से ये बताया कि कानून ये है क्या, किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, सब चीज़ों इन्होंने डिस्कस की। और उसके बाद साथ में हमारे साथ सीनियर लीडर कांग्रेस के ताज साहब, इनका भी बड़ा रोल है सोसाइटी में, गरीबों की अक्सर ये हिमायत करते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। ताज साहब, जमान साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जमान साहब, कानून के हवाले से मैं एक चीज़ आपसे समझने की कोशिश करूँगा, किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि पहले भी आपने एक बार डिटेल में बताया था इस कानून का, लोगों का कहना है कि ये काला कानून है, किस तरह से आखिर देखते हैं, आखिर इसका एंड क्या है? पहले जब गिरदावरियाँ की गई और आज उसको कहा जाता है कि वो इलीगल थी, किस तरह से कानून की रोशनी में जो है वो आप थोड़ा बता दें। देखिए, आप इसरार आदमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बार बार आते हो और इस ऐसे इशू को लेकर आते हो जो लैंड के हवाले से है, और ताज साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात मैं जो आपको कहता चलूं कि ये हाई कोर्ट की जजमेंट जो है गीता मित्तल जी और उसकी पीठ ने दी थी, तो एक फैसला उस जो रोशनी एक्ट पर आया था, और एक जजमेंट वो थी जो जगतपाल सिंह वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ पंजाब थी, स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा थी, वो 2011 में आई थी। मैं आपको क्लियर करता चलूं, जो जगतपाल सिंह वर्सेस पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का फैसला 2011 में आया था, जिसमें आंध्र हमारी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी स्टेट्स को ये डायरेक्शन दी थी, पूरी हिंदुस्तान की को, और जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है कि आप जहाँ जहाँ भी स्टेट लैंड, काचराई लैंड या किस्म के लैंड जो है जिस पर लोग बैठे हुए हैं काबज़ नाजायज, तो उनको उनकी लिस्ट तैयार करें, उनको बेदखल करें। और वो लिस्ट जब बनी, वो जजमेंट आई, जजमेंट के बाद उस वक्त की हुकूमत ने 2011 के बाद 2014 और 15 में क्या किया कि उस वक्त की हुकूमत ने, उस हुकूमत के कंसर्न सेक्रेटरी ने एक सर्कल निकाला गवर्नमेंट का, और निकालने के बाद ये कहा कि ये लिस्ट तैयार करें, तमाम डिस्ट्रिक्ट में भेजी गई, और लिस्ट तैयार करके इसको भेजें, भेजकर उसको इसकी कापी हाईकोर्ट को भी भेजें और फाइनेंशियल कमीशन के पास भी भेजें। वो लिस्ट तैयार हुई और उसमें कहा गया था कि किस तरीके से करना, उसमें भी यही कहा गया था कि जिसको भी किसी को बेदखल करना है विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, दे शुड नॉट बी एजेक्टेड, उसको नहीं करना, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द नेचुरल जस्टिस शुड बी अप्लाइड। ये किया था, एक तो वो जजमेंट थी, एक ये दूसरी जजमेंट रोशनी एक्ट के हवाले से थी, जो अभी जिसमें हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा जी कि 31 जनवरी तक ये करें, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि ये 3 महीने के अंदर अंदर ये इनको जो इनक्रोचमेंट रिमूव करें। मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि तमाम जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की जो अदालतें, ये हमारे लिए एक फ़ख्र है, हम अदालतों का एहतराम, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम बिल्कुल क्या कहते हैं उसका एहतराम करते हैं, और हाई कोर्ट के जजमेंट को भी तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लैटर एंड शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन उसी में रोशनी एक्ट के हवाले में से एक रिव्यू एप्लीकेशन लग गई ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास कि इसको रिव्यू किया जाए, जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास पाँच दो किला तीन तक का रकबा है या मकान है, उनको ना छोड़ा जाए। ये हाई कोर्ट के जो कंसर्न सेक्रेटरी था हमारी हुकूमत का, उसने ऑनरेबल हाई कोर्ट पर लगाई, वो चल रही है, और इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी थी रोशनी कट के हवाले से, वो भी चल रही है, वहाँ भी कहा गया कि रिव्यू लगा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक वो फैसला होता रिव्यू का वो करें। मैं हैरान हूँ कि ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद आज तमाम जितने भी लोग हैं ना, कुछ लोग जो है ना जो वेस्टर्न ट्रस्ट रखे हुए हैं, जिनके पास जो चंक ऑफ लैंड्स है, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, 1,000 कनाल 2,000 कनाल या फॉरेस्ट लैंड उन्हें दबाई हुई है, सब कुछ किया हुआ है, आज तमाम जम्मू कश्मीर की जो गरीब लोग हैं, जम्मू कश्मीर का जो संजीदा तबका है, उन लोगों के साथ है, गरीब लोगों के साथ, जिनके ये स्ट्रक्चर गिराने जा रहे हैं, जिनके ये छोटे छोटे मकान 10 मरले 15 मरले गिराने जा रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल जिन लोग बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, जिन बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े जो मैं कहता हूँ बिजनेसमैन हैं, उनके खिलाफ अगर हाथ डालें वो डालें, हम उनके साथ हैं। लेकिन उसकी आड़ में अगर आप किसी गरीब को उसको गिराएं, उसका मकान गिराएं, उसका जो कुछ कुल्ला गिराएं, तो ये गलत बात होगी। और इसी को लेके आप हैरान होंगे कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी बयान 2-3 बार दे दिया
कि गरीबों को छेड़ा नहीं जाएगा और मगरमच्छों को बख्शा नहीं जाएगा। हम उसके साथ हैं, लेकिन दो तीन बार कहा। उसके बाद जो सुनील शर्मा जी हैं बीजेपी के, वो ही मिले हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब भी दिल्ली में मिले, लेफ्टिनेंट से ही मिले, और वो मिले हैं तो ये अच्छी बात है। हम उनकी एक चीज़ में समझने की कोशिश करूँगा, इलीगल अक्रोचमेंट हटाने का जहाँ तक सवाल है, गरीब लोगों का ये कहना है कि बड़े जो मगरमच्छ हैं जिनके पास 200 कनाल 300 कनाल ज़मीनें जिन्होंने अपने कब्ज़े में ली हैं उनसे वो वापस करें, लेकिन इसमें ये देखने को मिल रहा है जिस तरह लोगों का कहना है या कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका ये कहना है कि इसमें भी सिलेक्टिव जो डिमोलिशन ड्राइव है सिलेक्टिव है। देखिए जिस तरीके से ये डिमोलिशन हो रही है तो लगता है ऐसा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एतमाद में लेके कोई बात करनी चाहिए। लगता है कि जो बड़े बड़े बैरोक्रेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, नीचे जो जितने भी 20 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ये गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप एक्शन कर लें, रिमूव कर लें। अभी अभी रात को चीफ सेक्रेटरी ने पूरे जो जितने 20 डिस्ट्रिक्ट उनके साथ ऑनलाइन ये बात की, वर्चुअल मोड में ये बात करी कि ये देखें, उन्होंने भी ये कहा कि ये हम लोगों की भलाई के लिए ये कर रहे हैं, ये जो डेमो कर रहे हैं, और ये यहाँ पे स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, पार्किंग बनेगी। मैं समझता हूँ यार, पार्किंग कहाँ बनेगी पहाड़ों पे, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ कहाँ बनेंगी वो पहाड़ों पे जहाँ पे गरीब पाँच पाँच मरले दो दो किनारे के किनारे बैठे हुए हैं। देखिए ये ऑर्डर जो है ना, ये आप इसको एहतराम करें। और अभी अभी जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने कहा, उसके उनका उनके अगर उन्होंने ये बात की है गुलाम नबी आज़ाद साहब से, हम उसको भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और फिर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कानून का एहतराम होना चाहिए, बिना पूछे बगैर सुने अगर किसी को आप हटाएँगे बगैर गवर्नर साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब, आप देखें कि शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमारे पुंछ में आप बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, आजकल डीसी साहब अच्छे हैं, यहाँ पे अच्छे लोग हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे एक पेन की नोक से 50-100 इंतकाल जो है ना एलबीसी के 432 खर्च कर दिए गए हैं, और किसने किए ये देखना चाहिए बगैर बुलाए। सेक्शन 15 रेवेन्यू एक्ट की कहती है कि बुलाओ, सुनो वो अग्री पर्सन को, यहाँ पर नहीं चल रहा है। मैं आप मीडिया आज़ाद से ये गुजारिश करूँगा, हम वेलकम करते हैं आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, इंतजाम के होम मिनिस्टर साहब का, कि इन्होंने जो फैसला लिया है इसको लिखित रूप में लाएं और गरीब लोगों को बचाएं, ये नोटिस बंद करें। देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं बठिंडी में कश्मीर में, लेकिन कुछ लोग हैं वो सियासी इंटरेस्ट रख के जो बड़े बड़े खरपैंच है वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं, वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। जमान साहब, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कह रहा है राइट टू शेल्टर, लेकिन यहाँ पे गरीब लोगों को ये लग रहा है कि एक तरफ से कानून ये कह रहा है राइट टू शेल्टर, लेकिन गरीब लोगों के शेल्टर ही उजाड़े जा रहे हैं, गरीब लोगों को घरों से निकालने की मुहिम चल रही है कुछ बड़े लोगों की आड़ में। क्या लग रहा है ऐसा कुछ होगा आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि एक तरफ से जुमलेबाजी में तो ये कहा जा रहा है कि गरीब लोगों के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, लेकिन वहीं गरीब लोगों का ये कहना है कि ये जो आप अल्फाज के ज़रिए कह रहे हैं ये रिटर्न में क्यों नहीं आ रहा है। देखिए हिंदुस्तान का आइन जो है हम उसका एहतराम करते हैं, मैंने कहा ना कि आर्टिकल 12 से लेकर 31 तक राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइफ, राइट टू इंटीग्रिटी, ये सब मिले हुए हैं। राइट टू शेल्टर उसका रहने का मकान अब देने जाओ, हिंदुस्तान की हुकूमत ये कह रही है सबका साथ सबका विश्वास सबका पास और मकान देने जा रही है, तो जिनके मकान बने हुए हैं छोटे लोगों के 10 मरले 15 मरले 20 मरले पे, तो इनको 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 रियलाइज़ करें, इनके इनके पास आपके हक है। और मैं कहता हूँ कि मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जो डिशरी कदस है उसको भी कॉन्फ्रेंस में लेके जो रिव्यू लगा उसको साथ लेके ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को देखना पड़ेगा, और जल्दबाजी में ऐसा काम मत करें कि लोग सड़कों पे आएँ यहाँ पे हालात ख़राब हों। ये कानून की पासदारी होनी चाहिए, रेवेन्यू एक्ट की पासदारी होनी चाहिए। तो जब से दफा 370 टूटा है, 35 टूटा है, ये तमाम एक्ट लाइव हैं, 3 LB6 लाइव है, 432 लाइव है, 371 सी लाइव है, 275 सी लाइव है, जिसके साथ इंतकाल होते हैं, और 1965 में 1971 की गाइडलाइन है चीफ मिनिस्टर की कि जो 2 एकड़ आबी और 2-3 एकड़ खुशकी भी काबज है तो वो 65 के बाद 71 के बाद है उसको रिगलाइज करो। ये सब लाइव हैं, और रेवेन्यू एक्ट बिल्कुल ठीक है वो लाइव है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी आला लगता पेपर, इनको देखना चाहिए, लॉ का एहतराम करना चाहिए, और ज़बरदस्ती किसी के साथ बदले की बना रखे नहीं करना चाहिए। हाँ हम आपके साथ हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं
बड़े बड़े जो चंक्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आज लोग तो बयान दे रहे हैं, मीडिया भी आ रहे हैं कि ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी, ना करें, वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं सियासी रोटियां मत सेंकें, गरीब को बचाएं, गरीब की एक कनाल दो कनाल उनको बचाएं, उनको रहने का मकान को उनका उनकी दुकानें जो हैं वो ना गिराएं, ताकि वो काल बड़ा अच्छा किया श्रीनगर में आपने, वो सीलिंग को खोल दी है। जमान साहब एक चीज़ में और समझने की कोशिश करूँगा, एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि रेजिडेंटल हाउस जितने भी हैं उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, और ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट लैंड के अंदर कमर्शियल जिन्होंने मकान बनाई है, कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं उनको गिराया जाएगा, मॉल हो गए जिनमें होटल्स हो गए या एक दुकान भी किसी की अगर है स्टेट लैंड के ऊपर तो वो गिराई जाएगी। एक गरीब इस इंसान ने पूरी मेहनत करके ज़िंदगी में अगर एक उसने ढांचा खड़ा किया, एक दुकान से उसका घर चल रहा है, परिवार उसका पूरा चल रहा है, तो आज उसका परिवार का जो ज़रिया है पैसा रोज़ी खाने का, रोज़ी कमाने का, आज वो ख़त्म किया जा रहा है। किस तरह से इन चीज़ों को आप देखते हैं? देखिए जहाँ तक गरीब का तलक है, अगर किसी ने एक दुकान बनाई है, दो दुकानें बनाई हैं, उसके बाल बच्चे का रोज़गार वहाँ से चल रहा है, उस हद तक हम यही कह रहे हैं ना कि जब ये देखें कि जिसने 40-50-100 दुकानें बनाई हैं बड़े किसी गड़पैंच ने, तो उसको तो उन्होंने छोड़ेंगे, छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो गरीब है, जिसने जिसका गुजारा ही उस दुकान पर, या एक दुकान है, दो दुकान है, उनके बाल बच्चों का देख रेख उसी दुकान पर होती है, यही तो हम कह रहे हैं कि जा रहे हैं कि दो कनाल तक देखें, कोई दुकान है, कोई मकान है, पूरे जम्मू कश्मीर में उसको मत छेड़ें, और एक लिखित रूप में जो हमारे कंसर्न रेवेन्यू सेक्रेटरी है वो लाएँ, चीफ सेक्रेटरी साहब लाएँ, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बयान दें, इस पर एक्सरसाइज करके अदालत का भी तकद्दस हो, एहतराम हो, और लोग भी बच जाएँ, गरीब लोग बच जाएँ। और जहाँ तक बड़े लोगों का तलक है, हम उनकी आँख में बिल्कुल नहीं है, और कोई कह रहा है कि ये किसी पार्टी ने किया, मैं एज ए वकील कह रहा हूँ, ये किसी बीजेपी का हाथ नहीं है, ये किसी का नहीं हाथ है, या अगर हाथ है तो ये जो बने उसकी हुकूमत में जो भी गाइडलाइन दी है, उस वक्त किस हुकूमत ने दी है, स्टेट लैंड जो जजमेंट आई हैं उसके हवाले से चल रहा है, किसी पार्टी का कोई हाथ नहीं है। आप सब पार्टियां अगर आई हैं नेक नीति से अगर आई हैं तो वो आके लोगों को बचाएं, गरीबों को बचाएं इस हद तक, लेकिन अगर वो अपना वेस्टर्न ट्रस्ट रख के आएंगे कोई इस तरह से आएगा तो मैं समझता हूँ वो गलत बात होगी। तो फाइनली आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पूंछ के लोग जो हैं आज भी डर हुए, सहमे हुए कि क्या पता खुदा ना हस्ता कल का दिन जो आज हम रह रहे हैं कल का दिन हमारे नसीब इस घर में ना हो, क्योंकि नोटिस तो मिले हुए। एक तरफ रविंदर रैना साहब ये कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गरीब को नोटिस नहीं जाएगा, गरीब के मकान के साथ कोई भी गिराने की कोशिश ना की जाए, दूसरी तरफ से आज नोटिस तो मिल रहे जगह जगह पर। देखिए मैं जो नोटिस जहाँ तक आए हैं या फ्यूचर मैं समझता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कहा होगा कि नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, मैं खैर मंगू कहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, कंसर्न सेक्रेटरी का, कि जिन्होंने ये कहा कि ये गिराया नहीं जाएगा, नहीं दिया जाएगा, और ये इस किस्म के काम बंद करें। और मैं अपनी जम्मू कश्मीर की आवाम से अपील करूँगा, बींग ए लीगल होने के नाते, एक लागा स्टूडेंट होने के नाते अपील करूँगा, देखो वकील खुल के आपके साथ आए हैं, जम्मू में भी आए हैं, श्रीनगर में लोग भी आए हैं, आप पुरअमन रहें और पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करें। देखिए तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामने आए हैं, ये ताज़ा हमारे साथ आए हैं, लगे हुए हैं, हम आपके साथ लगे हुए हैं, हम चाहेंगे कि मिलजुल के हम हुकूमत को एतमाद में लेके हाई कोर्ट के जो अहकाम हैं उनको उनका तकद्दस बरकरार रखते हुए अपनी हुकूमत को कहेंगे कि ये ऐसा रबता बनाए, ऐसा कानून बनाए, वो आर्डर विड्रा करें काला कानून रेवेन्यू सेक्टर का, और ऐसा एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें, ऐसा बनाएं कि जिससे ये गरीब लोग बच सकें, इनके मकान बच सकें, इनकी छोटी दुकानें बच सकें, फिर हम ये कहेंगे कि बड़े जो बड़े हैं मगरमच्छ, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम गरीबों की बात कर रहे हैं, उनसे अपील करेंगे कि अमन से शांति से रहें। अभी भी कल को मेरा वकील कह रहा था जम्मू में से कि आप आएँ कोर्ट्स में आएँ केस करें, और मेरे भैया यहाँ पर रजौरी पूंछ पीर मचाओ जम्मू कश्मीर में लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, वो कहाँ से आएँगे, ले दे के हमारी हुकूमत ने करना है, हमारी जुडिशरी ने करना है, इसलिए हम ये अपील करेंगे ये लोग कहाँ से पैसा लाएंगे रोटी खाने को लिए, इसलिए हम कि आप अमन से रहें, शांति से रहें, हम आपके साथ हैं, और हम फिर अपील करेंगे कि ये आर्डर जो है इसको विड्रा करें, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का स्टूडेंट लिया है। शुक्रिया। एक सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, कल से एक सोशल मीडिया क्वेश्चन वायरल हो रहा है कि 5 से 15 मरले तक लोगों को रेगुलराइजेशन करने की स्कीम आ रही है, किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं आप? देखेंगे ये सोशल मीडिया की आपने बात की कि 5 से 10 मरले के, ये कोई ऑर्डर नहीं है। आप देखेंगे मंडी में कल हम गए हुए थे, लोग परेशान थे, सड़कों पर थे, होटलों में भी आज ज़मीनों की बात चल रही है, सड़कों पर ज़मीनों की बात चल रही है, तो जब तक कोई ऑर्डर नहीं निकलेगा तो लोग मुतमिन नहीं होंगे। इन्हें कोई ऐसा ऑर्डर निकालना चाहिए कि जिससे लोगों का जो गम जो खौफ है ये खौफ दूर हो जाए। बैठकर ये सोशल मीडिया में कोई बयान दे दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरा ख्याल है कि इन्हें फौरी तौर पर ये कानून वापस लेकर
कोई ऐसा कानून बनाए कि जिससे लोग मुतासर ना हो। लोगों की जो जो झुमटियाँ हैं, लोगों के जो मकान है, सारी उन्होंने अपनी जो पूंजी थी वो लगा कर कोई मकान किसी ने अगर बनाया, आज 70-80 साल के बाद जैसे भी लगाएंगे कराएंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। अगर ये कुछ करना ही था इन्होंने तो 60-70 साल पहले जिन लोगों के पास ये ज़मीनें थी उस वक्त की हुकूमतों को चाहिए था कि उन्हें नोटिस देकर ये हल करें, वो अपना सरमाया यहाँ नहीं लगाती। तो ये तो मेरा ख्याल है कि काला कानून है कि किस बात है। हम बार बार गवर्नर साहब से अपील करते हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेट हैं उनसे अपील करते हैं, खजारा को ऐसी बात करो कि जिससे लोगों की परेशानी दूर हो। इस बर्फ़ के मौसम में, सर्दी के मौसम में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पर लोग सड़कों पर नहीं हैं, मशवरे करेंगे क्या करेंगे कहाँ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अपने देश में रहकर, अपने स्टेट में रहकर, अपनी हुकूमत में लोगों को ये खौफ हो तो मेरा ख्याल है कि ये तो अच्छी बात तो नहीं है। इस कानून से हटकर फौरी तौर पर संजीदा ब्यूरोक्रेट बैठे और वो दौरा लगाएं हर जगह का। ये बॉर्डर इलाके के लोग हैं, हर जगह देखे, बठिंडी में देखे आप कैसे नहरबाजरी है, मेंढर में भी सुना कोई जेसीबी लगाई है। तो अगर ऐसे ही ये तोड़ना ही शुरू कर देगा तो मेरा ख्याल है कि ये क्या मैसेज देना चाहती है। कोई हुकूमत भी जो है वो लोगों की भलाई के लिए बात करती है, बेरोज़गारी कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। अरे आपके छाती आप तोड़ रहे हो तो महंगाई तो बेरोज़गारी तो दूर की बात है। तो इस कानून को वापस लेकर लोगों में जो इसको खौफ है उस खौफ को दूर किया जाए। ताज साहब, 1947 में जब रिफ्यूजीज़ यहाँ पे आए थे उनको ये कहा गया कि आप जहाँ भी आपको ज़मीन मिलती है आप बैठ सकते हैं, स्टेट लैंड के अंदर वो लोग जाके बैठे। आज उन लोगों को भी ऑर्डर मिल रहे हैं कि आप जल्द से जल्द अपनी जगह को खाली कर दें। अब देखेंगे रिफ्यूजियों की आपने बात चलाई, वो हमारे पड़ोसी देश में रहते थे और अपनी ज़मीन अपने प्रॉपर्टी छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान में आए थे और खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा आए और खासकर पुंछ में भी आप देखेंगे ज़्यादा मेजार्टी जो की है रिफ्यूजियों की है। अरे वो अपना वहाँ से छोड़कर अगर यहाँ पर आकर उस वक्त हुकूमत ने इनको कोई ज़मीनें दी थी तो उन पर उन्होंने अपना छत बनाया तो छत को गिराएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अपनी पहले जायदाद ये छोड़कर आ गई है, यहाँ कुछ मरले या कुछ कनाल में इनको ज़मीन मिली है तो मेरा ख्याल है कि वो छत तो नहीं कराई जाए, इनकी वहाँ पूरी मदद की जाए। जो अपना आप वो छोड़ कर ज़मीन है, मकान सब कुछ छोड़ कर यहाँ पर आए तो मेरा ख्याल टंटू में उसका ये रहे हैं। फिर उन्हें मेहनत मजदूरी करके अपने मकान बनाए। तो मेरा ख्याल रिफ्यूजी हो कोई भी हो किसी को ना छेड़ा जाए। भाई साहब, एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूँगा, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कोई भी सरकार होती है तो वो हमेशा ऐसे कानून लाती है जिससे आवाम को भला हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिससे आवाम को परेशानी हो रही है। आए दिन हम देख रहे हैं कि नए नए कानून आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। नहीं, आपने ठीक है, जो भी हुकूमतें रही हैं हर हुकूमत ने अपना रोल अदा किया, लेकिन हुकूमत की यही तरजीह होती थी कि लोगों की फलाह बहबूदी के लिए करें जिससे लोग परेशान ना हों। जहाँ आपके हमने ये सवाल उठाया इतनी महंग पाई, लोग तो अभी खामोश रहे, लेकिन जब उनके आशाने आज गिरना शुरू हो जाएंगे तो उनको आवाज़ उनका उठाना तो ये हक बनता है। मेरा ख्याल है कि मीडिया रात को भी तमाम गाँव में लोगों के पास जाना चाहिए और उनकी हालात देखनी चाहिए, उनके मकानों की कंडीशन देखना चाहिए, ये मकान गिराने। वो मैंने एक बार आपसे ने कोई सवाल किया था, मैंने कहा था तो आज तो आप देखेंगे हमारी स्टेट में हर घर में झंडा है, देश का झंडा, जिस देश के झंडे के लिए हमारे बड़े बड़े लोगों ने, आर्मी ने या कि सिविल सोसाइटी ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं। एक तरफ कहते हैं कि देश का झंडा हर घर में होना चाहिए, एक तरफ PMAY दिया, आज वही निशाने गिरा रहे हैं। तो ये पॉलिसी समझ नहीं आ रही है कि ये गवर्नमेंट क्या पॉलिसी इख्तियार कर रही है। तो इस पॉलिसी को वापस लेकर लोगों को, मैं जो खौफ है उस खौफ को फौरी तौर पर दूर। अड़ी कबीले के लोगों की एक ही डिमांड थी कि हमें ST का दर्जा दिया जाना चाहिए। आपने भी काफ़ी जद्दोजहद की, जमान साहब ने भी काफ़ी जद्दोजहद की और तमाम पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं उन सब ने जद्दोजहद की। आज पहाड़ी का जो बिल था ST स्टेटस का पार्लियामेंट में लिस्टेड हो गया, किस तरह से इस चीज़ को ली देते हैं? अब देखेंगे हुकूमत जहाँ अच्छा काम करती है हम यह हुकूमत की सराहना करती है जी। एक अच्छा काम किया, लोगों की आवाज़ थी तो लोग सड़कों पर आए, लेकिन हुकूमत ने फैसला लिया और उस बिल को पास करें। इसी तरह इस कानून के लिए भी मेरी अपील है कि एक अच्छा फैसला लाएं, जैसे उसके लोगों ने आपके जिंदाबाद के नारे लगाए थे, इस कानून को वापस लेकर लोगों को हक दिया जाए, तभी लोग आप जिंदाबाद के नारे लगाएं और देश की मजबूती
के लिए लोग काम करें, लोगों में कोई डर खौफ ना हो। तो वो कानून अगर आपने बनाया तो ये कानून भी वापस लें और लोगों को ज़मीनें वापस दें और लोग फिर वही नारे लगाएंगे जिंदाबाद के। तो मेरा ख्याल है कि इससे बेस्ट बात कोई और नहीं है। तो क्या लग रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर एसटी का दर्जा तमाम पहाड़ी कबीले के लोगों को मिल जाएगा? हाँ, वो तो इसको तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी इसके वो मिलेगा, लेकिन उसके साथ सबसे ये भी इम्पॉर्टेंट मसला है कि जो ज़मीनों वाला मसला है इस पर भी अमल किया जाए कि ये लोग का जो डर खौफ है ये दूर किया जाए। तो मुझे यकीन है कि जैसे उस वक्त नहरे लगे जिंदाबाद के, आज भी ये नहरे जिंदाबाद के लगवा सकते हैं पूरी स्टेट में, कि गरीब जो है वो जो सड़क पर आएगा तो मेरा ख्याल है कि वो पकार जो वो बच्चों की है वो बड़ी बुरी होती है। तो इसमें उनको चाहिए कि फौरी तौर पर ये कानून भी वापस लें, लोगों में जो डर है खौफ है ये फिर खुशियाँ मनाएं लोग के। जमान साहब, यही सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, आपने भी बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी लड़ाई लड़ी ये पहाड़ी कबीले के लिए, स्पेशली एसटी स्टेटस के लिए जो आप लड़े और बड़े लोगों में आपने जागरूक भी ये लाई, किस तरह से देखते हैं जो पार्लियामेंट में अब एसटी स्टेटस का जो फाइल थी वो लिस्टेड हो चुकी? देखिए, मैं हम हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब का, नाव लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, ट्राइबल मिनिस्ट्री का, जो शेड्यूल ट्राइब कमीशन है नेशनल हिंदुस्तान का, उसका, रजिस्ट्रार जनरल का, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हम इस नतीजे पे पहुँचे कि आज हमारा बिल जो है शेड्यूल ट्राइब वो लिस्ट हुआ है पार्लियामेंट के अंदर बजट सेशन जो चल रहा है। और यकीनन जब ये बिल पेश हो गया है इसमें ओबीसी भी आ रहे हैं, इसमें शेड्यूल कास्ट के भी आ रहे हैं, इसमें गद्दा ब्राह्मण भी आ रहे हैं, तमाम जो हैं वो लोग आ रहे हैं। हम ये इनका शुक्रिया अदा करते हैं अमित शाह साहब का कि उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया। और यकीनन ये जो बिल जो है ये अब बिल बनेगा, ये लोकसभा में भी पास होगा यकीनन और राज्यसभा में भी होगा, इसकी मंजूरी प्रेसिडेंट साहब देंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं और मैं फिर कहता चलूं कि ये जो सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास लेके जो चले हैं ये एक अच्छी बात की है अमित शाह साहब ने, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, और जैसे ये दिया है हमें, ये देने जा रहे हो या ये पास होगा तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा पूरी जम्मू कश्मीर के लोग आपके मरूने मिलते हैं। और हम पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी पहाड़ी कबीला के लोग हैं, पहाड़ी एथनिक ग्रुप जितना भी है जम्मू कश्मीर का, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पुरमर रह के ये जो जद्दोजहद लड़ी और ये मसला यहाँ तक पहुँचा। हम हर लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आखिर में हम ये भी डिमांड करते हैं कि देखिए इसमें सब लोग एट पार हुए हैं, बराबर हुए हैं, किसी का हिस्सा लिया नहीं जाएगा, किसी का हिस्सा छीना नहीं जाएगा और यहाँ पे एक अमन शांति भाईचारा रहेगा, सब मिल के हम आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा, यहाँ के गरीब लोग, अमीर लोग, पहाड़ी लोग, गुजर बकवा लोग तरक्की करेंगे। और मैं उन लोगों से भी अपील करूँगा, खदारा इसको इसमें सियासी रोटियाँ मत सकें, ये गरीब है, इस्लाम भी ये कहता है, हिंदू मज़हब भी ये कहता है, सिख मज़हब भी ये कहता है कि सबको साथ देखो, सब बराबर हैं, हम लोग सब बिल के चलेंगे। तो ये हम शुक्रिया अदा करते हैं और जैसे ये किया है बिल पास होने जा रहा है, हम ये डिमांड करेंगे हिंदुस्तान की हुकूमत से भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, कि ये जो ज़मीन का मसला है ये ज़मीन का मसला हल करें, गरीब लोगों को बचाएं, इनकी रेजिडेंशियल, इनके कमर्शियल दो दो दुकानें, ये 10 मरले 15 मरले भी मरले ना छड़े, ताकि ये लोग अमन शांति से रह गए। बड़े मगरब बच्चों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। आप इजरात का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका, आपके भाई का, ये आप आते हो और ये मैसेज आएगा, ये मैसेज ट्रैवल करेगा और ये अमन शांति और भाईचारा लाएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।